हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। अगर आप ए से लेकर जेड तक सभी स्टॉक की डिटेल एनालिसिस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लियोड स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 12.60 रुपये है और पिछले 5 दिन में 3.5% की नेगेटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 6.5% की नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 5% के नेगेटिव रिटर्न, कंटिन्यू अपर सर्किट लगने के बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट हमें देखने को मिला, 1 साल में 168% के पॉजिटिव रिटर्न, कंटिन्यू अपर सर्किट देन कंटिन्यू लोअर सर्किट, और काफ़ी टाइम से स्टॉक साइडवे देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में 712% के पॉजिटिव रिटर्न दिए और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 472% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऑलमोस्ट 25 रुपये का स्टॉक आज हमें 12.60 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि ये जो कंपनी है, यहाँ पे हैवी इक्विपमेंट्स, मशीनरी सिस्टम्स एंड हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स सेक्टर में काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1235 करोड़ का है। स्टॉक का लो 4.30 रुपये। पी की बात करें तो 63.2 है। बुक वैल्यू 1.33 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.40 है, यानी कंपनी यहां पे डिविडेंड भी दे रही है। आरओसी ऑलमोस्ट 10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5%। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर होल्डिंग 57% की है, उसमें से 1.5% की शेयर्स यहाँ पे प्लेस है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.22 है, यानी ऑलमोस्ट 25 करोड़ का डेप्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, जो कि यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट है बढ़ते हुए देखने को मिला 1 करोड़ से 10 करोड़ का। इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है 6 करोड़ से 17 करोड़। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले 23 करोड़, 24 करोड़ एंड 30 करोड़। बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला 5 से 26 करोड़ का। इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 53% से 57% की, और यहाँ DIS के पास 0.05% के स्टेक्स है। पब्लिक होल्डिंग 42% हमें देखने को मिली है। ऑल ओवर इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिले हैं। BSE पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं तो आप यहां देख सकते हो कि कंपनी ने कब बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट किया है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, कंपनी ने 2022 में 5 पैसे का डिविडेंड दिया, उसके बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो ऑल ओवर इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं आप यहां देख सकते हो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। बट अगर आप इस कंपनी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आपके पास पहले से ही इस कंपनी के शेयर है तो आपको होल्ड रखना चाहिए। नए इन्वेस्टर्स के लिए आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे कभी ज़्यादा कभी कम हमें देखने को मिलते हैं, और ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, कंटिन्यू लोअर सर्किट एंड कंटिन्यू अपर सर्किट हमें देखने को मिलता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर है? नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।